मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पियारे। पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे पंजाबीज का बहुत बहुत वेलकम। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं स्मार्ट सिटी लुधियाना और जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राइजिंग स्टार का रियलिटी शो जो बहुत फेमस है, बहुत पसंद किया जाता है, उस प्लेटफॉर्म पे अपना टैलेंट दिखा चुके गिल दीप जी आज हमारे साथ हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं इस मल्टी टैलेंटेड सिंगर से। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। सर, सबसे पहले तो लुधियाना में आपका बहुत बहुत वेलकम। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, आपसे कुछ भी पूछने से पहले, हम चाहते हैं आप अपनी स्टार्टिंग, आप इतने मल्टी टैलेंटेड सिंगर हैं तो दो तीन लाइंस हो जाएं। हाँ जी ज़रूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पियारे। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पियारे पियारे। सर, स्टार्टिंग भी इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग से किया आपने, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बर्थ प्लेस कौन सा है? मैम, मेरा बर्थ प्लेस है जलंधर और मेरा विलेज है धीना। हाँ जी, मेरा जलंधर में मेरा बर्थ हुआ है, पंजाब यहाँ। तो कौन सी एज से आपने सिंगिंग लाइन में अपना कदम रखा? सिंगिंग एज, और मैं जब मैम 9th क्लास में था ना, तब आई थिंक मेरे को पता नहीं अभी मेरी उम्र कितनी होगी। आपको पता नहीं आपकी उम्र कितनी है? ग्रेट। नहीं, 9th क्लास में मैंने शुरू किया था। अच्छा। 15-16 साल की एज होगी मेरी। स्कूल टाइम पे आपने स्टेज शो दी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तब मेरे टीचर से नीना मैम, वो गा लेते थे, उन्होंने ही मेरे को सिखाया था। अभी एक गाना सिखाया था मेरे को, सोनू निगम जी का, कभी अलविदा ना कहना। तो फिर मैंने वो उस गाने की तैयारी की अच्छी तरीके से, घर में प्रैक्टिस करता था वो, क्योंकि मेरे मैम मेरे को अप्रिशिएट करते थे कि तू अच्छा गा लेता है, तू इस गाने को निभाएगा और स्टेज पे तू नहीं गाना है। और फिर मैम मेरे को लगा कि हाँ मैं गा लूँगा ना, मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि हमारा बच्चा गाता है ना। अच्छा। तो बस ऐसे ही मैंने सीखा, मैम से सीखा पहले, फिर मेरे को मेरे टीचर्स ने अप्रिशिएट किया स्कूल टाइम में, फिर मैंने वहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया है सिंगिंग की। तो जब आप छोटे होते थे तब कभी आपने अपने घर में ऐसे कुछ प्रेजेंटेशन नहीं दी अपने पेरेंट्स के सामने? नहीं नहीं, जैसे आजकल कई सिंगर्स होते हैं ना जो छोटे होते थे गाते थे ना, पर मेरा वैसे नहीं था। अभी मैं छोटा होता ही गाता था, ऐसे नहीं था। मैंने जब 15-16 साल की एज होगी तब मेरे को पता चला थोड़ी आवाज़ ठीक है, तब आपको खुद एक सेल्फ फीलिंग आई कि आप गाना गा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। फिर मेरे को मेरे मैम स्कूल में वहाँ पे मेरे को अप्रिशिएट किया, फिर थोड़ा पता लगा मेरे को कि मैं गा लूँगा। तो प्रोफेशनली हम कह सकते हैं कि आपने किसी से इस चीज़ की कहते हैं तालीम नहीं ली सिंगिंग की? प्रोफेशनली मैम मैंने BPA की है लवली यूनिवर्सिटी से, LPU से। मैंने 4 साल की मेरी डिग्री आई है और मैंने वहाँ से अपने गुरुजनों से सीखा। जैसे बाकी जो सिंगर्स वगैरह होते हैं, या यूट्यूब से मैंने सीखा काफ़ी, और लाइव परफॉर्म करके सीखा मैंने। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं अच्छी, जैसे अपनी वो कहते हैं ना कि क्या उसको कहते हैं, अगर यार दोस्त अच्छे हो ना, जैसे हम बैठे रहते हैं हारमोनियम लेके, गिटार लेके बस बैठे रहते, सारे गाते रहते, फिर बंदे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो अगर सोसाइटी अच्छी हो, हमारी सोसाइटी जैसे म्यूज़िक वालों के साथ ही होती है ज़्यादा, तो वहाँ से ज़्यादा सीखने को मिलता है। जैसे प्रोफेशनली मैंने कोई अपना मेरा कोई गुरु नहीं है। okay. हाँ जी। तो 9th क्लास में जब आपने पहला फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस दिया था तो फ्रेंड सर्कल से कितना अप्रिसिएशन मिला और आप कितने नर्वस थे उस टाइम पर? उस टाइम पर मैम मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो, जब मैम 9th क्लास में था स्कूल में, सब जिदा आप कह दिए ना कि लत्त कंब दी मेरी, तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। मेरे वो कौन सा सॉन्ग था आपका फर्स्ट? वो सॉन्ग था सोनू निगम जी का था, वो कभी अलविदा ना कहना। अभी फिर से दोबारा हो जाए एक बार फिर से, 9th क्लास की यादें हम दोबारा ताज़ा करवाएंगे आपसे। हाँ जी हाँ जी ज़रूर। तुमको भी
है खबर मुझको भी है पता, हो रहा क्यों मगर दोनों का रास्ता, दूर जा के भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। यार ब्लेस विद सच अ ब्यूटीफुल वॉइस। तो जब आपने अपना स्टेज परफॉर्मेंस दिया उसके बाद पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया जब उन्हें पता लगा हमारे बेटे में तो इतना टैलेंट है? हाँ जी, हाँ जी, जब मैम जब मैंने 10th क्लियर की अपनी, +1 +2 में हुआ ना, +1 में, तब मैं फिर मैंने एक कॉम्पिटिशन किया था, कव्वाली कॉम्पिटिशन स्कूल की तरफ से। स्कूल की तरफ से वो पहला कॉम्पिटिशन था, स्कूल में कोई भी बच्चा ऐसे कोई गया नहीं था कॉम्पिटिशन के लिए, तो वहाँ पे हमने एक कव्वाली रेडी की थी और मेरे साथ में मेरे यार दोस्त जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, तो उनका भी म्यूज़िक के साथ ताल्लुका था, तो हमने एक कव्वाली तैयार की थी, वो कंडे उत्ते मेहर मावे आ जा कदों दी खड़ी, वो हमने एक कव्वाली तैयार की और जलंधर में कॉम्पिटिशन हुआ था रेड क्रॉस भवन में, वहाँ पर फिर मैंने वो कॉम्पिटिशन विन किया था। तो मेरे घर वालों को फिर जाके पता लगा, हमारे जैसे विलेज में बताया कहीं ने कि आपके बेटे की न्यूज़पेपर में फ़ोटो लगी हुई है, तो फिर वहाँ पे जाके पता लगा कि हमारा बेटा गाता है। फिर मेरे पापा ने मेरे को बोला कि तू अपना सिंगिंग में करियर बना अपना आगे जाके, फिर मैंने फिर LPU में एडमिशन ली। मतलब फुल सपोर्ट फैमिली का मिला? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद आप प्रोफेशनली, जैसे आपने अपनी बताया आपने डिग्री ली, म्यूज़िक लाइन में आप राइजिंग स्टार में आए, उससे पहले आपने किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया हुआ है या लाइव शोज़ की, उसके बारे में बताइए। राइजिंग स्टार से पहले मैम मैंने MTV का एक शो किया था, Season 6 कलर्स ऑफ यूथ, उसमें ग्रैंड फिनाल में थे, और उससे पहले एक किया था सुरसताज में, सुरसताज शो का नाम है, उसमें ग्रैंड फिनाल में थे। वो शो छोड़ के मेरे को फिर राइजिंग स्टार में जाना पड़ा था, क्योंकि उधर फिर एक शो कर सकते थे ना, या तो इधर या तो उधर, फिर मैंने फिर राइजिंग स्टार में चले गए थे। उसके पहले मैंने जैसे लाइव शोज़ वगैरह, जैसे पंजाब में मेले होते हैं वो भी मैंने किए, और होटल्स वगैरह में शोज़ वगैरह ये भी मैंने किए, मैरी शोज़ वगैरह वो भी मैंने किए। तो अभी जैसे आप इतने बड़े स्टार माने जाते हैं हमारे पंजाब के, तो जो आपका फ्रेंड सर्कल है जो स्कूल टाइम पे भी आपके साथ अभी तक अटैच होगा, तो वो आपको कैसे अप्रिशिएट करते हैं कि उनका भी वही बिहेवियर है कि ये तो हमारा बेस्ट फ्रेंड था और आज ये इतने टॉप पे है? जो मैम तब अब मेरे को वो कई बार कॉल करते हैं ना, जैसे जब मैं राइजिंग स्टार में था तब मेरे को उन्होंने मैसेज किया भी, हमें खुशी महसूस होती है कि तू हमारे साथ पढ़ा है ना, और आज तू राइजिंग स्टार शो में आ रहा है, और हमारे जितने भी मेरे विलेज वाले भी जितने भी मेरे साथ पढ़ते थे सारे मतलब कि अप्रिशिएट करते थे कि अच्छा हम भी खुश होते हैं, हम भी किसी को बताते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है और ये आज राइजिंग स्टार में आया है, खुशी होती है हर एक इंसान को होती है ना। आपने अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी को पूरा प्राउड फील कराया है। जी ज़रूर मैम, हमारी यूनिवर्सिटी ने LPU ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर एक बच्चे ने हमें वोट किया, हमारे जितने LPU के मैम, रिस्पेक्टेड मैम रश्मि मित्तल मैम, अशोक मित्तल सर, सौरभ सर, उन्होंने सभी ने हमें सपोर्ट किया, हमारे जितने टीचर्स जितने हमारे साथ वाले स्टूडेंट्स सभी ने वोट किया, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मैम। तो चलिए अब बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो राइजिंग स्टार की, तो राइजिंग स्टार में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? राइजिंग स्टार में हमारा एक्सपीरियंस मैम बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पंजाब की सिंगिंग और जो बॉलीवुड की सिंगिंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि कैसे आप डिफरेंस मानते हैं? डिफरेंस ये है कि मैम जो पंजाब की गायकी है, जैसे खुला गाना होता है ना, मस्त मौला होके गाते हैं, और जो बॉलीवुड की सिंगिंग है वो एक फील वाली गायकी होती है ना, वो बहुत कुछ सीखने को वहाँ से मिला कि जो फील वाले गाने होते वो कैसे गाने हैं। वहाँ पे जो गुरुजन हमें सिखाते थे, जो हमारे मेंटर्स होते थे बैक स्टेज पे, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। राइजिंग स्टार में जितने भी स्टार आए, गोविंदा जी आए और रेखा जी आए, सुखविंदर सिंह जी आए, और भी कितने भी टाइगर श्रॉफ आए, सारे आर्टिस्ट आए, हम उनके सामने हमने परफॉर्म किया, और कभी सोचा भी नहीं था, जैसे दिलजीत दोसांझ भाजी अपने पंजाब की शान आ, भाजी मूहरे बैठे सी, और शंकर महादेवन जी
मोनाली ठाकुर जी, जब हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस थी ना हमारी, तो डर तो लग रहा था कि हमारा पहला परफॉर्मेंस था, तो जब दीवार उठी तो सामने दिलजीत भाजी और शंकर महादेव जी, मोनाली ठाकुर जी। उस टाइम कितने नर्वस हुए थे? नर्वस तो थे मैम, पता नहीं क्या होगा, हमें पता नहीं था कि अभी दीवार उठेगी या किद्दा भी होगा ना, भाई चक होगी कि नहीं होगी, और हमें डर लग रहा था कि आगे हम जाएंगे राउंड में कि नहीं। तो जैसे जैसे हम राउंड क्लियर करते गए, एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से, और बहुत अच्छे लोग मिले, काफ़ी अच्छे फ्रेंड बने। कभी कुछ आपको वहाँ पे ऐसी कुछ नेगेटिविटी फील हुई उस रियलिटी शो में कि जो आपको लगा हो यहाँ आने के बाद कि ये चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, कभी आपको कुछ ऐसी फीलिंग आई हो? नेगेटिविटी तो मैं नहीं कह सकता। कहते हैं हर चीज़ के प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स होते हैं, तो आपको कहीं पे वहाँ पे क्या माइनस पॉइंट्स फील हुए? नेगेटिविटी तो मैम मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बंदे ने ग्रुप में काम करना है ना, तो एक यूनिटी होनी चाहिए, जो उनका मेंटर होता है उनकी बात उन्हें उसे ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आप के कोई ग्रुप चला रहे हो तो आप उनके मेंटर हो, तो आपके ग्रुप का जो बाकी बंदे हैं आपको कुछ और बोले तो वो बात बंदे को सही नहीं लगती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे ग्रुप में थे वो सारे मेरे भाई हैं, और अभी भी आप उनके साथ टच में? अभी भी हम बात करते हैं सारे, हमारे जलंधर के ही हैं सारे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ग्रुप चलाना है तो एक यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है। चलो गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं, और बस यही मैं बात कहना चाहता हूँ कि एक ग्रुप अगर चलाना है, अगर काम करना है ज़िंदगी में, तो एक यूनिटी और अपने से सीनियर बंदे की बात ज़रूर सुननी चाहिए। तो जैसे दिलजीत दोसांझ तो हमारे प्राउड है हमारे पंजाब के, अब तो खैर वो वर्ल्ड वाइड प्राउड फील करा रहे हैं हमारे पंजाब को, उन्होंने आपको कैसे अप्रिशिएट किया जब उनको लगा कि आप तो उनकी स्टेट से बिलोंग करते हैं और इतने अच्छे सिंगर हैं आप? दिलजीत भाजी ने बहुत अप्रिशिएट किया मैम हमें, और खुश होते थे वो कि हमारे पंजाब के जलंधर के बंदे हैं सारे, और हमें सपोर्ट भी उन्होंने किया और फोटोज़ वगैरह भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली, बहुत वधिया लगे भाजी ना भी मिल के। ऐसी हमें खुशी होती थी कि दिलजीत भाई फर्स्ट टाइम मैंने देखा ये, तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगा जैसे राइजिंग स्टार के बाद अब आप यहाँ वापस आए जब पंजाब में, तो आपको लगा आपको वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो वहाँ पे कहते हैं ना कि मतलब आपको कहा गया होगा कि यहाँ से जाने के बाद हम आपको मतलब ऑफर्स देंगे, आप सिंगिंग लाइन में आएंगे या बड़ी बड़ी एल्बम्स में आएंगे, आपको उस चीज़ के बेनिफिट्स मिले आफ्टर राइजिंग स्टार? आफ्टर द राइजिंग स्टार मैम जैसे बंदे की जान में मतलब कि लोग और जानने लगे थे राइजिंग स्टार के बाद, जैसे पहले भी यूनिवर्सिटी से घर जाते थे बस में और तब इतने लोग नहीं पहचानते थे, जब राइजिंग स्टार किया तब अगर बस में भी सफ़र करो या कहीं पे भी जाओ मार्केट में जाओ तब लोग पहचानते थे। तो उनकी तरफ से आपको कभी कुछ ऐसे अभी तक मतलब कोई ऐसे ऑफर्स आए हैं एल्बम्स के या जो उन्होंने उस टाइम कहा होगा? सारे ही कहते हैं रियलिटी शोज़ में कि अगर आप ये शो विन करेंगे तो हम आपको इस एल्बम्स में पार्टिसिपेट करवाएंगे। नहीं मैम वो एक वो नहीं, हम किसी ने नहीं बोला कि हम तुम्हारा गाना करवाएंगे या कुछ भी ऐसे, क्योंकि आजकल पंजाब में पता नहीं मैम क्या लोग सुनते हैं क्या। बिल्कुल हम देख सकते हैं डेली एक न्यू सिंगर यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, बट वही कहते हैं कि जो यहाँ का यूथ है वो जैसी सिंगिंग पसंद करता है, थोड़ा सा लाउड म्यूजिक होता है, कई बार तो बिल्कुल मीनिंगलेस गाने भी होते हैं जिनको अप्रिशिएट किया जाता है। आप पर्सनली खुद कैसे गाने लाइक करते हैं? पर्सनली मैम जैसे मैंने तो शुरू से उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी को उनको सुना, क्योंकि मेरे पापा भी शुरू से कवाली सुनते थे और वहाँ से मैंने कवाली मैंने कभी किसी से सीखी थोड़ी भी कैसे गाते हैं, बस घर में डैडी मेरे लगाते थे तो मैं शुरू से सुनता था कवाली, वो ही दिमाग में बैठी हुई थी। अब सुनते आते अब हम यहाँ पर सुनाना भी पड़ेगा, तो चलिए। और पहले मैं ये बता दूँ है ना, क्योंकि आजकल मैम आजकल का जो यूथ है ना वो कैसे गाने पसंद करते हैं, तो थोड़ा अर्बन बीट गाने पसंद करते हैं है ना, पर जो कई लोग जैसे प्रोड्यूसर वगैरह हैं उनको मैं ये बात आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के ऊपर अपने पैसे खर्च करना चाहते हो ना, कोई अच्छा आर्टिस्ट है उस पर खर्च करो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पर खर्च करो, मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा टैलेंटेड है जिसके पास टैलेंट है गा सकता है और उसको अप्रिशिएट करो, आगे लेकर आओ लोगों के सामने कि वो बंदा आगे जाके कुछ कर सके है ना। और हमारे जैसे बंदे भी हम उनके पास टैलेंट है
बट वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते अपने आप को। और आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रांग होना हर फील्ड में बहुत ज़रूरी हो गया है? ज़रूरी है मैम, ये आजकल के माहौल में तो ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियली बंदा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस फील्ड में। और गायकी ये जो फील्ड है ना, आर्टिस्ट की जो लाइफ है, बहुत इसमें जो मैम पैसा होना बंदे के पास बहुत ज़रूरी है। विदाउट ये पैसे के बिना बंदा कुछ नहीं कर सकता। अपने आप को दुनिया के सामने लाना, उसके लिए पैसा बंदे के पास जरूर होना चाहिए। और बहुत ही एक अपीलिंग बात रखी है यहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के आके, जो म्यूज़िक एल्बम्स लॉन्च तो करते हैं बट कई बारी कहीं वो कहते हैं ना, कह जाते हैं, चूक जाते हैं कि कैसे सिंगर्स को हमें आगे लाना चाहिए। एक बैक सपोर्ट होती है तो उसकी वजह से काफ़ी सिंगर्स आज रोज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ जी मैम, आजकल क्या चलता है कि सिंगर की पर्सनैलिटी वो तो ज़रूरी है, बंदे को फिट रहना तो ज़रूरी। हम भी जिम जाते हैं ना, और मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि कईयों को गाना भी नहीं आता, उनको पता भी नहीं होता कि आ गाना क्या है, क्या कौन सा राग है, कौन सा नहीं है, है ना। तो लोग उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, यार ऐसे हैं वैसे। अगर उस बंदे को, हमारे जैसा बंदा कुछ गलत बोल दे तो नीचे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, तेरे को ज़्यादा आता है, तू उससे जेलस फील करता है। सोशल मीडिया ने भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है। वो तो है मैम, ये जितने भी YouTube पे वीडियोस वायरल करते हैं, वो बना लेते हैं, उस पर लिख देते हैं, ऐसे हो गया वैसे। मैं किसी का नाम नहीं लेता, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अच्छा आर्टिस्ट है उसे सपोर्ट करना सीखो, आप उसको आगे लेकर आओ, ठीक है। बस यही कहना चाहता हूँ, बाकी ये तो बाकी और नहीं। आने वाले अभी आपके क्या प्लान्स हैं, और आने वाले टाइम पर भी आप रियलिटी शोज में जाना चाहेंगे? अगर मैम मेरा दिल करा तो मैं जाऊंगा, बाकी गाने वगैरह तो मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो आने वाले टाइम पे चांस मिला तो आप ऑब्वियसली जाना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, अगर किसी भी रियलिटी शो वाले ने इनवाइट किया तो मैं ज़रूर जाऊंगा। बाकी मेरे गाने रेडी हैं, वो इन फ्यूचर करेंगे, हम वीडियो करेंगे उसका। मेरे गाने आ चुके हैं मैम, और मेरे एक गाने का नाम है मैनू तेरे लिए, और वो रोमांटिक सॉन्ग है, और एक सॉन्ग था तेरा हाँ, वो भी एक रोमांटिक सॉन्ग है। इनमें से आप कौन सा सुनाना चाहेंगे स्क्रीन? अभी लेटेस्ट जो मेरा आया ना गाना, उसका नाम है मौला, वही सुना दीजिए। हाँ जी, वो मेरे बड़े भाई कमल खान बॉलीवुड सिंगर, उन्होंने अपनी कंपनी के थ्रू रिलीज़ किया, और मेरे साईं जी हैं बाबा बिल्ले शाह जी फगवाड़े से, उनकी कृपा से ये गाना उन्होंने मेरे को दिया। वो बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, और उनका लिखा हुआ जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जे तू मौला ता मैं रोला, मैं रोला पौना तेरे लिए, सजना तेरी दीद नू तरस रहा, हो कद सामने आना मेरे लिए, जे तू मौला ता मैं रोला, तेनू चौंदे मौला लखाने, सारे जग विच तेरिया रखाने, सारे जग विच तेरिया रखाने, पर मैं क्यों बैठा विच कखा दे, एक इंसाफ है मेरे लिए, जे तू मौला ता मैं रोला। इतनी ब्यूटीफुल वॉइस सुनने के बाद कोई भी शायद बिलीव नहीं करेगा कि आपने किसी गुरु से ट्रेनिंग नहीं ली हुई, यू आर ब्लेस्ड विद सच अ ब्यूटीफुल वॉइस। तो एक कवाली का भी हो जाए, जैसे हमने आपसे पहले एक डिमांड रखी थी, तो वो भी कवाली मैं वो सुना देता हूँ, मेरे रश के कमर। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है, तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुम क्या जानो कितनों की कजा होती है, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर
तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया बर्क सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया यू मेक अ स्पीचलेस टोटली स्पीचलेस अब जाते जाते हम चाहते हैं कोई ब्यूटीफुल सा मैसेज आप देना चाहेंगे यहाँ के यूथ को जैसे आपने इतनी अच्छी सिंगिंग तो करके दिखाई दी हमें कोई अपनी तरफ से कोई प्यारा सा अपीलिंग सा मैसेज मेरा यूथ को मैम मैसेज ये है मैं ये तो नहीं कि मैम इतना बड़ा हूँ कि मैसेज दे सकूँ है ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे म्यूज़िक को सुनें जो अच्छा बंदा गाता है जो भी है अच्छा सिंगर है जो इतना ज़्यादा मेहनत करता है उसको आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए क्योंकि जो बंदा इतनी मेहनत करके भी फिर भी उसको वो मुकाम ना मिले फिर वो सोचता है कि शायद मेरी गायकी में जहाँ कोई कमी होगी और मैम मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में इन फ्यूचर मैं हर एक टाइप का गाना करना चाहता हूँ पंजाबी फोक भी रोमांटिक भी हर एक गाना करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को शौक है सिंगिंग का और मैं यूथ को यही मैसेज करना चाहता हूँ कि आप अच्छी गायकी को सुनें अच्छी गायकी को सपोर्ट करें और बस यही कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू सर अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए और ऑल द वेरी बेस्ट क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं इतनी ब्यूटीफुल वॉइस से तो होपफुली आने वाले टाइम पे आप बहुत ज़्यादा नाम रोशन करेंगे हमारे पंजाब का तो आपने देखा ये थे हमारे साथ गिलदीप जी जो रियलिटी शो राइजिंग स्टार के प्लेटफॉर्म पे अपना बहुत ज़्यादा टैलेंट दिखा के आए हैं और एक उनकी तरफ से हमें बहुत अच्छा मैसेज मिला कि उन्होंने ये कहा कि सिंगिंग हमेशा अच्छी सुननी चाहिए हमें उनके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए और अच्छी सिंगिंग एक हमेशा ही लोगों के मन में एक छाप छोड़ के जाती है और एक मैसेज हम उनकी तरफ से हमें यह भी मिला कि जो सोशल मीडियाज़ पर लोग कमेंट्स करते हैं कमेंट करने से पहले प्लीज़ आप एक बार सब सिंगिंग जो सिंगर्स हैं जो अपनी सिंगिंग करके दिखाते हैं सोशल मीडिया पे उन्हें अच्छी तरह सुनिए उनको अच्छी तरह जज कीजिए विदाउट जजमेंट आप सोशल मीडिया पे प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत पास कीजिए जिसकी तरफ से जिनकी वजह से उनके टैलेंट को कहीं ना कहीं कोई चोट लग सके तो होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके और हमने भी शेयर की उनसे बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरेजा टाइम्स पंजाब टीवी चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसे जुड़ी है सदा रहना दिल के करीब होके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों